राजू खाना लगा दे। क्या हुआ मैम साहब? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोफे पे बैठ के पढ़ने की, और ऊपर से सारी लाइट सारे पंखे जला रखे हैं। ये सोफे के पैसे तेरे बाप ने दिए या फिर बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? मैम साहब, ये सब तो सांप ही खुला छोड़ के गए थे, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, सांप जला के गए थे? अगर सांप जला के गए थे तो तू बंद कर देता। कहीं का नवाब ज्यादा लग रहा है क्या? सारी लाइटें पंखे ऑन करके बैठिया पढ़ाई कर रहा है। तुझे पता है कितना बिल आता है इसका? और अगर बिल आ भी गया ज्यादा तो तेरा बाप भरेगा ये बिल। और मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को, तुम्हारे यहाँ लाइट वाइट की तो वैसे ही कमी रहती है, तो यहाँ बैठ के तू मजे ले रहा है लाइट के। मैम साहब, घर का सारा काम खत्म हो गया था और साहब ने कहा था कि आप दोनों को ऑफिस आने में लेट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने लग गया था। ये क्या बहाने बना रहा है तू? और तू कहना क्या चाहता है? अगर मैं घर में लेट आऊंगी तो तू इस घर का मालिक बन जाएगा, कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई करेगा। और मुझे एक बात बता, इतना पढ़ लिख के करेगा क्या? रहेगा तो तू नौकर ही ना, क्योंकि तेरा बाप भी इस घर में नौकर था और तेरी आने वाली पुश्ते भी नौकर ही रहेंगी। और तू जो यहाँ आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा था, मैं तुझे यहाँ पढ़ाई करने के पैसे देती हूँ या फिर काम करने के पैसे देती हूँ? मेरी ना एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू मुझे दोबारा दिख गया ना पढ़ता हुआ, तेरे को धक्के मार के निकालूंगी इस घर से। और एक बारी मैंने तुझे घर से निकाल दिया ना, फिर ठोकरे खाता फिर रोड पे, क्योंकि ना तो तेरे पास फिर घर होगा और ना ही तेरे पास खाने को खाना होगा। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। अगर आपने काम से निकाल दिया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और आप तो जानते हो मेरे पापा की भी तबीयत खराब रहती है, मैं इसलिए यहाँ पे काम कर रहा था। मैम साहब, मेरे को काम से मत निकालिए, और मैं सच कह रहा हूँ, सारा काम हो गया था घर का, मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ने बैठ गया था। अरे बस कर अपने ये बहाने, और मैं तुम जैसे गरीबों को ना अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, ये सारे बहाने लगा के तुम लोग हमसे पैसे ऐंठ लेते हो। तुझे मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या? और हाँ, इतनी जो तू ये जुबान चला रहा है ना, अगर तू काम में ध्यान दे लेता तो इतनी जुबान नहीं चलानी पड़ती। और अभी भी खड़े होके कैसे मेरी शक्ल देख रहा है? थोड़ी सी शर्म रहेगी ना तो जाके काम कर ले। और एक मिनट, तू ना ऐसे नहीं मानेगा, तो रुक, अभी नितिन को बुलाती हूँ और तुझे काम से निकलवाती हूँ। नितिन! नहीं नहीं मैम साहब, आप साहब को मत बुलाइए, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मैम साहब। नितिन! अरे क्या हुआ प्रियंका, शोर क्यों मचा रखा है? अरे जरा देखना इस नौकर को, यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है और वो भी सारी लाइटें जला रखी है, पंखे चला रखे हैं। इसको ये बताओ कोई कि बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है, पर ये कहाँ समझेगा इस बात को, ये थोड़ी भरता है बिल। और हाँ, वैसे भी नितिन मुझे एक बात बताओ कि पढ़ लिख के कर क्या लेगा? रहेगा तो नौकर ही ना, और सारी जिंदगी नौकर ही बनने के लिए पैदा हुआ है ये, पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा इसका। तो मैं तो कह रही हूँ नितिन, इसको आज ही धक्के मार के इस घर से निकाल दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसका यहाँ रहने का। यहाँ बैठ के पढ़ाई करता रहता है, वो भी सारी लाइटें पंखे सब कुछ जला के, हमारे सर पे बिल छोड़ देता है इतना ज्यादा, तो इसको निकालो यहाँ से बाहर। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ना तो खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तुम्हें याद होगा तुम्हारे पापा भी एक मामूली से ड्राइवर थे, वो ड्राइवरी के साथ साथ में पढ़ाई भी करते थे। अगर उस टाइम पे कोई उनको पढ़ने से रोक देता तो आज वो जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंच पाते, नहीं ना आज वही सेम चीज तुम इसके साथ में कर रहे हो। वो अपना कल बदलना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, तो तुम उसको क्या नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हो? सोचो अगर सेम चीज तुम्हारे पापा के साथ करते तो तुम आज यहाँ पर होते? नहीं होते। अरे किसी की मुसीबत कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाओ तो मत, किसी के कामयाब होने में साथ नहीं दे सकते तो उसको रोको तो मत। हाँ नितिन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। राजू प्लीज मुझे माफ कर दे, वो मैं ना ऑफिस की किसी टेंशन में थी, मैंने तुझे आवाज लगाई और तूने सुनी नहीं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। और हाँ, ये ले अपनी बुक, तुझे पढ़ाई करनी है ना तू पर, और अगर तुझे टाइम नहीं मिले ना तो तू छुट्टी लेके पढ़ियो, और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दियो। और प्लीज़ मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। नहीं नहीं मैम साहब, आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए, वही काफ़ी है। आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए। और हाँ राजू, अगर तेरे को किसी अच्छी जगह से कोचिंग लेनी है या फिर तेरे को पढ़ाई के लिए कोई भी मटेरियल चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए हो, तो तू हमें बता दियो, हम तेरा सारा पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। साहब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,